खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले हुए उपचुनाव में नीतीश की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू अपनी जीती हुई 3 सीटें हार गई है। उपचुनाव में बिहार में एनडीए का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। एक लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर में तो एलजेपी की जीत हुई, लेकिन 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए पिछड़ती दिखी। समस्तीपुर लोकसभा एलजेपी, किशनगंज एआईएमआईएम, सिमरी बख्तियारपुर आरजेडी, दरौंदा निर्दलीय, नाथनगर जेडीयू, बेलहर आरजेडी, यानी 5 विधानसभा सीट के उपचुनाव में 2 पर आरजेडी ने बाजी मारी है। मैं इसको सिर्फ हमारे अपने दल की जीत, उसकी प्रतिबद्धता की जीत नहीं देखता हूं, ये अवाम के सरोकारों की जीत देख रहा हूं और यही सरोकार निर्धारित करेंगे 2020 में बिहार विधानसभा। लेकिन सत्ताधारी गठबंधन का प्रदर्शन बुरा रहा। 5 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 पर जेडीयू जीती है। 4 सीटों पर लड़ी, लेकिन 3 सीटों पर जेडीयू को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो 1 सीट किशनगंज पर लड़ी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि समस्तीपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की सहयोगी एलजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज ने अपने विरोधी कांग्रेस के अशोक कुमार को 1,00,000 वोट से हराया। लेकिन विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन की हार को सीएम नीतीश कुमार फिलहाल तवज्जो नहीं देते दिख रहे। ये जो बाई इलेक्शन होता है, अब बाई इलेक्शन में जब हम लोग कम जीतते हैं तो जनरल इलेक्शन में बहुत ज्यादा जीतते हैं, इसलिए तो पहले जनता मालिक है, हम क्या बोलते हैं।